थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आईएलएस वाला इंडिया। इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक स्पीकिंग पैटर्न को लेकर, बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है स्पीकिंग में। नियर अबाउट 6.5 बैंड स्कोर सबको चाहिए। एंड यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, स्टूडेंट का रिजल्ट देख सकते हो, ओनली वन डे पहले आया है। किसी का फिफ्थ अटैम्प्ट है, किसी का फोर्थ अटैम्प्ट है। डिपेंड करता है ट्रस्ट के ऊपर, डिपेंड करता है आपके हार्डवर्क के ऊपर। ये वो स्टूडेंट है जिनको हम ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, प्लस पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। और उन पीडीएफ में से इनको रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग देखने को मिलती है विद प्रूफ। हम किसी को कोई झूठा ड्रीम नहीं दिखाते, किसी को कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं देते, रियलिटी के साथ काम करते हैं। एंड स्क्रीन के ऊपर आप प्रूफ देख सकते हो। इसके अलावा इंस्टाग्राम पेज के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रूफ अवेलेबल हैं लेटेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ। अगर किसी को चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके ले सकते हो। बात करते हैं स्पीकिंग की। स्पीकिंग में टू पार्ट्स में स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है जो एग्जामिनर की तरफ से दिए जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट टू, जिसे हम क्यू कार्ड बोलते हैं। थर्ड इज फॉलो अप क्वेश्चन, बिकॉज फॉलो अप क्वेश्चन स्टूडेंट से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। नियर अबाउट 9 to 12 फॉलो अप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वाई रिपीट हो रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल दैट, मैंने आपको एक हिंदी में एग्जाम्पल देता हूँ। किसी ने मेरे से पूछा कि मुझे ब्लैक कलर पसंद है, तो एग्जामिनर पूछता है क्यों पसंद है। उसके बाद स्टूडेंट उसका जवाब देता है कि ये रीज़न है, मुझे इसलिए ये पसंद है। देन वो फिर पूछता है कि वाई, कि इसके पीछे ये रीज़न ही क्यों है। मतलब कि एक क्वेश्चन का अगर आप आंसर देते हो तो उसमें वो 2 and 3 टाइम्स हमें वाई का जवाब मांगता है, वाई का आंसर मांगता है, जिसकी वजह से बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है, नर्वस हो जाता है, स्कोर डाउन चला जाता है। पार्ट टू में भी सेम ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है। सो प्लीज़ आप इस चीज़ से ज़रूर अवेयर रहें। जब भी आप किसी का आंसर दे रहे हो तो एक चीज़ माइंड में रख कर दें कि आपको आंसर इस वे में देना है कि एग्जामिनर के पास चांस ना हो कि वो मुझसे वाई पूछे। अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हो तो एक फंडा है हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, जब भी आप थर्ड पार्ट में आंसर दो तो रियल आंसर दो, कोई फेक मत दो। रियल आंसर के साथ एक रियल एग्जांपल दो। अगर आप थर्ड पार्ट में रियल आंसर देते हो, रियल डिपेंड करता है आपके उस सिचुएशन के ऊपर, रियल आंसर दोगे, रियल एग्जांपल दोगे, तो एग्जामिनर आपसे नेक्स्ट बार वाई पूछेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि आपका लेवल कैसा है। तो जिसकी वजह से वो आपको 7 बैंड स्कोर भी दे सकता है। अगर इन्फॉर्मेशन राइट लगे तो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाली वीडियोज़ के लिए किसी को प्रेडिक्शन प्लस मटीरियल चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो।